Dear students, welcome back to Devashya International School online teaching. So students, as you know ki up to today we have completed 4 chapters. So now we will start one more new chapter, and the name of the chapter is, as you see on the board, we have written. So students, so now from today we will start one new chapter. The name of the chapter is Way of Multiply and Divide. So students, in this chapter we are going to discuss some different ways, means how we can multiply some different numbers. So students, जैसे कि आपको एक मल्टीप्लीकेशन का एक नॉर्मल मेथड आपको पता है, एक नॉर्मल मेथड आपको पता है कि हम कैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. बट नाउ स्टूडेंट्स, ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टीच वन different method how the multiplication can be done. So students, we can start with some multiplication. I hope up to today's video you have completed. This is the one more new chapter with the part 1. So students, this is the part 1 of chapter number 13. So I hope ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो चीजें आपको आती है वही चीजें हम थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में सॉल्व करने वाले हैं. तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, जब कोई भी चीज हमें आती है तो वो चीज को सॉल्व करने में एक अलग मजा आता है. क्लियर ना? तो स्टूडेंट्स, वन नंबर फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन नंबर वी हैव टेकन, दैट इज 73 मल्टीप्लाई बाय 15. तो स्टूडेंट, अगर यहां पे मैं आपको ये पूछूं कि इसका आंसर क्या है, सो व्हाट यू विल डू, हमारा जो एक लॉन्ग मेथड है, कौन सा मेथड, ऐसे 73 मल्टीप्लाई बाय 58. दिस मेथड यू विल अप्लाई, ये मेथड आप यूज करोगे. बट here in this chapter we are not going to use this method. Clear? यहां पे हम ये method को use करने वाले नहीं है. तो student, जैसा कि आपको यहां पे question दिख रहा है, तो first जो number है वो क्या है, 73, और जो second number है वो क्या है, 58. So here student, this number we will divide in two part. अब ये जो number यहां पे दिया होगा, हम क्या करेंगे, इसको दो part में divide करेंगे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम 73 को डिवाइड करेंगे. तो स्टूडेंट, 73 को कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि आपको बताया, 73 कैन बी रिटन एज 70 प्लस 3. क्लियर? 73 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 70 प्लस 3. यस. नाउ नेक्स्ट वन इज 58. तो 58 कैन बी रिटन एज 50 प्लस 8. तो स्टूडेंट, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है. अब स्टूडेंट, यहां पे आप देखो, हमारे पास, हमें यहां पे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस हमें एक बॉक्स बनाना है. देखो, मैं आपको समझाता हूं. अब यहां पे आप क्वेश्चन ये पूछोगे, सर हम कितना बड़ा बॉक्स बनाए. क्लियर? सो वो किसके पेज पर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट सी, यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4, चार नंबर है. तो हम यहाँ पे बॉक्स कितने बनाएंगे, चार बॉक्स बनाएंगे. आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा. क्लियर ना? ओके ना. अब यहां पे देखो, ये क्या है, 70 एंड 3. तो ये 70 जो है, ओके, इसको हम कहा लिखेंगे, ये बॉक्स के ऊपर, यहां पे हम लिखेंगे 70, और यहां क्या लिखेंगे, ये बॉक्स के ऊपर 3. क्लियर? उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो क्या है, 50 एंड 8. तो ये बॉक्स के यहां, ये सामने हम क्या लिखेंगे, 50, और ये बॉक्स के सामने यहां क्या लिखेंगे, 8. स्टूडेंट ध्यान रखना, ये नंबर थोड़ा अलग है और ये एक फॉर्मेट हमारा अलग है. स्टूडेंट, अब ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 70, ये जो बॉक्स है, हम यहां पे क्या लिखेंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 50.
तो यहां क्या लिखेंगे 70 मल्टीप्लाई बाय 50, और ये जो बॉक्स है सेकंड वाला ये यहां पे क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 50, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 50। आई होप आपको समझ में आ गया। और ये जो बॉक्स आपको यहां दिखाई दे रहा है वहां क्या लिखेंगे, ये जो नंबर है 70 और ये जो नंबर है 8, तो हम यहां क्या लिखेंगे 70 मल्टीप्लाई बाय 8, और यहां क्या है 3, ये क्या है ऊपर 3 और ये क्या 8, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 8। स्टूडेंट अब आपको क्या है कि सारे नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना कैसे, 7 5 ओके, अब ये मल्टीप्लाई तो आपको आएगा इजीली, अब क्या है 7 5 35, कितने जीरो यहां पे बोले मतलब 2, ओके। नाउ यहां पे क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 3 5 15 और 10 150। नाउ 7 ओके दैट इज 70, 70 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हम क्या लिख सकते हैं 70 मल्टीप्लाई बाय 8 करो, अदरवाइज 7 मल्टीप्लाई बाय 8 और लास्ट में वी विल अप्लाई वन सिंगल जीरो, तो 7 8 50 6 दिस जीरो, डन। नाउ वन मोर 3 मल्टीप्लाई बाय 8, अब स्टूडेंट यहां पे आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, विदाउट मल्टीप्लाई वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्लियर। सो 3 8 अदरवाइज 8 3 क्या है 24, क्लियर। नाउ हियर द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, नाउ सी हाउ मेनी वैल्यूज वी आर हैविंग 1 2 3 4। अब ये सारे नंबर्स को क्या करना है, वी हैव टू ऐड, कैसे 3 5 0 0 फॉर एग्जांपल 3 5 0 0 3 5 0 0 plus 150 plus 560 plus 24। तो स्टूडेंट अब आपको समझ में आएगा इस सारे नंबर्स को आपको प्लस करना है, जब इस सारे नंबर को हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दिस इज आवर आंसर। बट स्टूडेंट अगर आप ये आंसर को कंफर्म करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही, तो यू कैन यूज योर प्रीवियस मेथड, कैसे अब आप इसको कंफर्म कर लो 3 5 0 0 प्लस 150 प्लस 560 प्लस 24। नाउ ऐड दिस नंबर 0 + 0 + 0 दैट इज 4, देन 0 + 5 + 6 तो 5 + 6 11, 11 + 2 13, 1 year 5 + 5 10, 10 + 2 12 2 1, 3 + 1 4, see 4 2 3 4 4 2 3 4, so now students so our answer is correct, clear, so this way we can solve some questions. So right now we will solve some question on this basis, and after completing this part we will go through our workbook, clear. So I hope ye aapko samajh mein aa gaya hoga, we can love this, okay chalo. Now second question student, एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, आई होप आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 238 मल्टीप्लाई बाय 30, तो स्टूडेंट अभी आप क्वेश्चन पूछोगे सर पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 digit थे, यहाँ पे कितने हैं 3 digit, सो अगेन विद द सेम वे वी कैन स्प्लिट दिस नंबर, सो 238 हाउ यू कैन ऐड दिस 200 प्लस 30 प्लस 8, क्लियर 238, क्लियर।
Now here the number is 30, so we can use, कैसे लिख सकते इसको, 10 plus 3, क्लियर। सो अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन क्या होगा कि सर यहां पे हम कितने बॉक्स बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट देखना है पहले वाले में कितने नंबर है, 1, 2, 3, तो ऊपर 3 होंगे और नीचे 2 होंगे, कैसे देखो, यहां क्या नीचे में, नीचे में 2 है तो ये हो गया 2 बॉक्स, ऊपर वाले में कितने, 1, 2, 3, तो कितने बॉक्स होने चाहिए, 1, 4, समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन बहुत इजी है, विद द सेम मेथड 238, सो इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 200, इसके ऊपर 30, इसके ऊपर 8, और यहां पे क्या है 10 and 3, so 10 and 3, again with the same method 200, अब student the most important part आपको ध्यान रखना, ये box में हम क्या लिखेंगे, so ये box के सामने जो number होगा वो लिखेंगे 200 and 10, so यहां क्या आएगा 200 multiplied by 10, और ये box में क्या आएगा 30 multiplied by 10, clear, so 30 multiplied by 10, और यहां क्या आएगा 8 multiplied by 10। स्टूडेंट अगर आप इसी क्वेश्चन को 10 multiplied by 8 लिखोगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्लियर। नाउ 200 multiplied by 3, सो 200 multiplied by 3, हियर 30 multiplied by 3, सो 30 multiplied by 3, और यहां क्या लिखेंगे हम लोग 3 और 8, ओके एज यू विश 8 multiplied by, क्लियर। नाउ व्हाट टू डू, जस्ट ऐड दिस नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो 200 multiplied by 10, आपको देना है यहां पे कितने जीरो, 1, 2, 2 ones are 2, कितने जीरो अवेलेबल है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, डन। सेकेंड बार 3 ones are 3, हाउ मेनी जीरो, 2, ओके 8 tens are 18, 3 twos are 6, कितने जीरो अवेलेबल है, 2, यहां पे कितने, 3 threes are 9, 90, 8 threes are 24। नाउ स्टूडेंट ये क्या बचा यहां पे, एडिशन, तो एडिशन तो आपको आता ही है, यहां क्या करना है हमें, क्वेश्चन में सिर्फ एडिशन करना है, तो स्टूडेंट अब क्या करना है, एडिशन, तो ये तो आपको आता ही है, कैसे, एड दीस नंबर 2000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 600 प्लस 90 प्लस 24। स्टूडेंट ये नंबर को ऐड करते समय आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पे कितने अवेलेबल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ये करेक्ट है। अब स्टूडेंट आपको क्या करना, इस सारे नंबर को आपको एडिशन करना है, तो जब हम इस सारे नंबर का एडिशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3094। क्लियर, ओके। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को आप एक हमारा जो पुराना मेथड है, सो ओके, वो पुराने मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप देखो, आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, क्लियर, चल। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, आफ्टर दिस वन मोर क्वेश्चन विल सॉल्व, चलो क्लियर, समझ में आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट पार्ट, मोर अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, एक और क्वेश्चन है बहुत इजी है, 83 मल्टीप्लाई बाय
की 8 आएगा ना, यस चलो, सो 83 विल बी रिटन एज 80 प्लस 3 एंड 68 विल बी रिटन एज 60 प्लस 8. नाउ अगेन मेक वन बॉक्स. अब आपको समझ में आता होगा बॉक्स कितने बनाने हैं. क्लियर? नाउ 80 एंड 3, सो हियर 83, 60 एंड 8, हियर 60, हियर 8. नाउ अगेन मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई बाय 60, 80 मल्टीप्लाई बाय 60, 3 मल्टीप्लाई बाय 60, 3 मल्टीप्लाई बाय 60. हियर 80 मल्टीप्लाई बाय 8, 80 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 8. स्टूडेंट अभी सारे नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो और बाद में ऐड कर दो. ना सी देखो तो आंसर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 का कितना होता है, 6 8 का 36, 6 7 का 42, 6 8 का 48. अब ये कितने जीरो यहां पे, दो, ये दो आ गया, 3 6 का 18, 18 10, 8 8 का 64, 10, 3 8 का, क्लियर? समझ में आ गया ना आपको? अब क्या करना है, इसी क्वेश्चन को हमें ऐड करना है. क्लियर? सो हियर यू टू राइट ऐड दीज नंबर्स, सो 4800 प्लस 180 प्लस 640 प्लस 24. तो स्टूडेंट अब जब ये सब नंबर को हम आपस में ऐड करेंगे क्या मिलेगा, आई होप कि सबको एडिशन क्लियर है. पर एक बार मैं फिर से बताता हूं क्या है, 4800 दिस वे, 4800 प्लस 180, सो 3 डिजिट 180, 640 प्लस 24. अब ये सबको क्या करना है, आपको ऐड करना, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 4, सो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 4 1, 8 प्लस 1 9, प्लus 1 10, 10 प्लस 6 16, 6 1, 4 प्लस 1 5. सी द आंसर इज सेम, 5 6 4, 5 6 4. सो स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. क्लियर ना? चलो वेरी गुड. सो अब ये क्वेश्चन के बाद एक न्यू क्वेश्चन है, हम वो सॉल्व करते हैं. ओके चलो देखो स्टूडेंट, सो यहां पे जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा. सी ये एक मेथड है, इसके बाद इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें हम एक न्यू मेथड यूज करेंगे. ना वन मोर क्वेश्चन, क्या दिया, 95 मल्टीप्लाई बाय 66. क्लियर? नाउ अगेन, सो 95 विल बी रिटन एज 90 प्लस 5 एंड 66 विल बी रिटन एज 60 प्लस 6. क्लियर? नाउ लेट्स मेक अ बॉक्स. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम बॉक्स कैसे बनाएंगे. क्लियर? 90 एंड 5, सो 95, 60 प्लस 6, 60 प्लस 6. आपको ध्यान रखना स्टूडेंट कि ये जो नंबर्स है ये यहां पे डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से आपको लेना. 95, 60, 6, 60, 6. अगेन इन दिस बॉक्स वी विल राइट 90 एंड 60, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 60. इन दिस बॉक्स वी विल राइट 5 मल्टीप्लाई बाय 60, 5 मल्टीप्लाई बाय 60. इन दिस बॉक्स वी विल राइट 90 एंड 6, 90 मल्टीप्लाई बाय 6. इन दिस बॉक्स वी विल राइट 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 6. अब क्या करना है, अगेन इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो,
सो सिक्स नाइन था, सिक्स नाइन का कितना होगा 54, कितने जीरो यहाँ पे 2, इसको अप्लाई कर दो, 5 सिक्स 30, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे क्या आएगा अगेन, ओके 9 सिक्स 54, जीरो। तो स्टूडेंट अब क्या आएगा यहाँ पे 5 मिनट वाले पास 6, तो 5 सिक्स 30 हो गया ना, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब क्या करना है अगेन दिस नंबर कैन बी ओके, एक साथ इसको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा आंसर। ऐड दिस नंबर्स, अब हम यहां पे एक बार ऐड करेंगे 5400 देन 300 देन 540 एंड लास्ट वन इज 30। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पे जितने नंबर्स है यहां पे भी उतने ही होने चाहिए, जीरो ओके ये सबको ऐड कर दो, जीरो देन 7, 5 प्लस 4 9, ओके 9 प्लस 3 12, 5 प्लस 1 6, आंसर विल बी 6 2 7 0, सो दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी, स्टूडेंट यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ये जो एडिशन है ये एडिशन आप रफ नोटबुक में भी करके ओके सॉल्व कर सकते हो ओके, जैसे कि कुछ स्टूडेंट भी पूछेंगे कि सर ये वाला भी हमें नोटबुक में लिखना है ओके, तो स्टूडेंट दिस वे ऐसे हम लिख के बता सकते हैं जिससे कंफर्म हो जाएगा कि नो दैट एडिशन वी हैव डन, हमने एडिशन किया हुआ है, क्लियर ना। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर ना। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो पार्ट वन था, इन पार्ट वन दैट फोर क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड नाउ, बट एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि बहुत इजी है ओके। चलो फोर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाय नाइन्टी फोर स्टूडेंट फॉर योर प्रैक्टिस यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ नंबर्स, आप अपने आप भी नंबर ले सकते हो, क्लियर ना। सो 47, सो 47 विल बी रिटन एज 40 प्लस 7, देन 94 विल बी रिटन एज 90 प्लस 4, अगेन मेक अ बॉक्स, क्या आएगा 40 प्लस 7, सो हियर 40 हियर 7, 90 एंड 4 हियर 90 एंड हियर 4, अगेन व्हाट टू डू, ये नंबर को हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 90 हियर 7 मल्टीप्लाई बाय 90 इन दिस बॉक्स, 40 मल्टीप्लाई बाय 4 हियर 7 मल्टीप्लाई बाय 4, अभी सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो स्टूडेंट यहां पे क्या आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 90 4 9 जा 36 20 ओके 7 9 जा 63 10 4 4 जा 60 10 7 4 जा 28, क्लियर ना। Add these numbers. So 3600 plus 630 plus 160 plus 28. So after adding this all the numbers, the answer will be 3600 plus 160 plus 28. Clear? So आप ये क्वेश्चन को ओके कॉलर चेक भी कर सकते हो, 3600 देन हियर 630 ओके नाउ 160 एंड 20, अब ये सारे नंबर को आपको ऐड करना है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 आंसर विल बी 8, 6
प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस टू इलेवन, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन, थर्टीन प्लस वन फोर्टीन, थ्री प्लस वन फोर, आंसर विल बी डबल फोर वन एट. क्लियर ना? सो स्टूडेंट आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. ओके ना? सी दिस वे वी कैन सॉल्व एनी नंबर. आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर को लेके ऐसे सॉल्व कर सकते हो, योर आंसर विल बी सेम. और अगर आपको इसको कंफर्म करना है अगेन 47 मल्टीप्लाई बाय 94, सो 47 मल्टीप्लाई बाय 94, आप ये मेथड से क्वेश्चन को कंफर्म भी कर सकते हो. क्लियर? तो ये दोनों का आंसर इसका और ये दोनों क्या होगा? सेम होगा. क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. ओके, यहां जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा. क्लियर? देन स्टूडेंट्स मिलते हैं ओके चैप्टर नंबर 13 के पार्ट 2 में. ओके, जय स्टूडेंट्स.